हाय, आज हम बनाएंगे मटन गुर्दे या फिर मटन किडनी का करी। आप इसको रोटी या फिर चावल के साथ भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस। इसके लिए हम पहले पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करेंगे। इसमें खड़े मसाले डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 इंच चकले का। अब इसको एक बार मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप स्लाइस किए हुए ऑनियन, 3 ग्रीन चिल्ली स्लिप करके। अब फिर से एक बार इसको मिलाएंगे और ऑनियन को गोल्डन ब्राउन होने देंगे। 1/2 टेबलस्पून नमक डालेंगे ताकि प्रोसेस जल्दी हो जाए। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है। अब डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर से 1 मिनट के लिए पकाएंगे बिना कवर किए ही। अब डालेंगे 1/2 कप टमाटर। अब टमाटर को अच्छे से नरम होने तक पकने देंगे कवर करके बीच बीच में चलाते हुए। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। फिर से एक बार मिलाएंगे। टमाटर अच्छे से गलने के बाद ही मसाले को डालिए, रेड चिल्ली पाउडर सारे। अब इसमें डालेंगे किडनीज गोट के मीडियम साइज़ में कटे हुए, 1 में 2 करवाए हैं। एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको कवर करके 5 मिनट्स के लिए पकाएंगे। 5 मिनट्स के बाद इसमें 1/2 ग्लास वाटर डालेंगे। फ्लेम को हाई रख लेंगे। जब उबाल आने लगे तो सिम पे रख लेंगे और 10 मिनट के लिए पकाएंगे बीच बीच में चलाते हुए कैप लगा के। लगभग 15 और 20 मिनट्स से ये पक रहा था। बन गया हमारा गुर्दे का करी, मटन गुर्दे। अब लास्ट में थोड़े से कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे। यहाँ पर मेरे पास प्याज की पत्ती है, ये ऑप्शनल है, अगर हो तो यूज़ कीजिए वरना नहीं। इस तरह सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। ट्राई ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। प्लीज़ लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर इंग्रेडिएंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।